तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गेमिंग की ड्यूटी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी माइनक्राफ्ट की सीरीज़ को। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने कैसे इस जगह आकर अपना घर बनाया और ड्रोन से फाइट की। तो दोस्तों, इसी वजह से मैंने फैसला किया मैं इस जगह को छोड़कर कहीं अलग जाकर अपना घर बनाऊंगा। तो इस वीडियो में अपने घर के लिए एक जगह ढूंढेंगे और वहाँ पर जाकर अपना घर बनाएंगे। तो दोस्तों, हमने अपना गेम स्टार्ट कर लिया है। और दोस्तों, मेरे गेम परचेज़ किया हुआ नहीं है, ये फ्री APK फाइल है, इसलिए इसमें पता नहीं क्या ग्लिच हो गया। कल जो मैंने वीडियो में अपने इस वाले घर का जो गेट बनाया था वो सब यहाँ पे है ही नहीं, मतलब वीडियो गेम थोड़ा पहले ही सेव हो चुका था इसका मतलब। चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी टॉर्चेज वगैरह सारी निकाल ली हैं, अब हम यहाँ से निकलेंगे अपने घर नए घर के जगह ढूंढने के लिए। इसलिए मैं थोड़ा पार्ट स्किप भी करता करूँगा जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और यहाँ पे हमें कुछ पिगीज मिले हैं, अब हमने खाने का भी इंतजाम कर लेते हैं। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि यहाँ पे टाइम लग गया था मुझे थोड़ा बहुत। मैंने यहाँ जितने पिगीज थे उन सबको मार दिया था खाने के लिए। और एक काव रखी थी, मैंने कहा भाई तुम भी क्या करोगे यहाँ रह के, मैं भी ले चल रहे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने घर के लिए जगह ढूंढ रहे थे ऐसे ही। बहुत देर तक अपने घर की जगह ऐसी ढूंढते रहे, हम बहुत आगे तक ट्रैवल करके गए थे। मुझे कुछ ऐसी जगह चाहिए थी जिस टाइप की बीचो शुभ ने अपने जब माइनक्राफ्ट की स्टार्टिंग की थी, जब उसका वर्ल्ड उड़ गया था उसके बाद जो स्टार्टिंग की थी उस टाइप की कुछ जगह चाहिए थी, बट उस टाइप की नहीं मिली थी। बट मैं इस वीडियो में बीचो शुभ जैसा ही घर बनाने की कोशिश करूँगा, मतलब उससे इंस्पायर होकर, बिल्कुल सेम नहीं बनाऊँगा बट इंस्पायर होकर उसी टाइप का घर बनाऊँगा। ये उसने मुझे यहाँ पर मर्डर किए हुए पिगीज का खाना खाते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने इसे यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, फाइनली हमें जगह मिल गई है। बीच का जितना भी ट्रैवलिंग का पार्ट था वो सब मैंने स्किप कर दिया है। तो दोस्तों, मैंने फैसला किया मैं इसी समुद्र किनारे अपना घर बनाऊंगा और यहाँ पे एक अच्छी सी केव भी है जिसमें हम जाके डायमंड माइनिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी क्राफ्टिंग टेबल रखेंगे, नहीं पहले हम अपनी टूल्स बना लेते हैं। वुडन एक्स बना लिया हमने, फिर थोड़ी सी स्टोन एक्स भी बना लेते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे हॉर्सेस भी हैं, यहाँ का इलाका मुझे अच्छा लगा, खुला खुला भी था। अब जरा मैं पेड़ों को मतलब वुड लेने के लिए जाऊँगा तो उस पार्ट को भी थोड़ा फास्ट और स्किप कर दूँगा। और दोस्तों, अगर आप पेड़ को इतना ही काट कर छोड़ देंगे तो आप जब दूसरे दिन आएंगे तो वहाँ पे आपको उसकी सैपलिंग्स और स्टिक्स देखने डेली मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत की करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, रात को मुझे यहाँ पे एक डॉग भी मिला था पर उसे टेम करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, इसलिए फिर मैं उसे छोड़ के आ गया। और जब मैं सुबह उठा तो मैं उस डॉग को चेक भी करने गया पर वो वहाँ पर था ही नहीं। तो फिर से हम जंगल गए और वहाँ से अपनी वुड काट के लाए और फिर उसके बाद हमने अपने घर के लिए जगह फाइनल की, ये वाली जहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं। अब इसके बाद हम अपने कुछ प्लैंक्स बनाएंगे और घर का बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे। तो आप अब वीडियो को एंजॉय कीजिए। Thank you.
दोस्तों यहाँ पर मेरे पास वुड की फिर से थोड़ी कमी हो गई थी, इसलिए मैं जंगल से जाके गली से वुड तोड़ के ले आया और अपने घर को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ बनाना। हमारे पास वुड फिर से ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद हम फिर दोबारा वुड काटने आए थे और यहाँ पर थोड़ी देर वुड कटिंग करने के बाद वापस हम अपने घर के पास उसे कंटिन्यू करने चले गए थे। और दोस्तों वुड काटते काटते मुझे एक रात यहाँ पर सोना भी पड़ा, तो मैं आजकल वहाँ पर बेड लगा के सो गया था। और तभी जब मैं दिन में वुड काट रहा था, वहाँ पर अचानक से ज़ॉम्बी आ जाता है हमसे मिलने के लिए, तो हमने उसे उसका खाना पीना करा दिया और फिर उसे अपने घर को बनाने में लग गए। दोस्तों मैंने वीडियो के बीच का कुछ पार्ट स्किप कर दिया था घर बनाते समय, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आपको ज़्यादा बोर फील भी ना हो, तो अभी मैं कुछ पार्ट स्किप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा घर बनके रेडी हो चुका है, अब घर के अंदर सामान रख देते हैं। तो सामान अभी मैंने ज़्यादा डेकोरेट करके नहीं रखा, बस ऐसे ही रख दिया रैंडमली। एक चेस्ट बना लेते हैं, चेस्ट प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। ओके, अब बाहर हमने अपना डोर लगा दिया है और ऊपर का भी यहाँ से बंद कर देते हैं। अभी बाहर के स्टोन चढ़ा देते हैं, फिर मैं आपको घर दिखाता हूँ दूर से। तो दोस्तों ये BVS के घर जैसा डिट्टो तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जब मैंने इमेज बाद में कंपेयर की तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे थे, तो उसमें मैं थोड़े बहुत चेंजेस करूँगा जिससे कि BVS जैसा लगे, क्योंकि मैं उन्हीं को अपना आइडल मानता हूँ और उन्हीं से इंस्पायर्ड हूँ। मैंने उन्हीं की तरह मतलब डिज़ाइन बनाया था बाहर, बट बाद में जब मैंने इमेज को ऑब्जर्व किया तो उनके जैसा नहीं लग रहा था, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसे भी थोड़ा बहुत सही करेंगे। ये भीड़ हमारे ऊपर नज़र रख रही थी, इसलिए हमने इसे वहीं की वहीं ख़त्म कर दिया। हमने सारा सामान अपने चेस्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया। दोस्तों सारा सामान शिफ्ट हो चुका है, अब हम एक फर्नेस बना के रख देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।